बदलिया जमाना हो बदलिया जमाना बदलिया जमाना हाँ हाँ बदलिया जमाना बदलिया जमाना हो बदलिया जमाना बदलिया जमाना हाँ हाँ बदलिया जमाना अगरा दे जंतर ने हिंदी दे मंत्र ने अगरा दे जंतर ने हिंदी दे मंत्र ने खोलिया खजाना हाँ हाँ खोलिया खजाना बदलिया जमाना हाँ हाँ बदलिया जमाना रेंदे फुटपाथा ते जांदे नहीं जाता ते असी सारे कट्ठे हाँ गमाते बराता ते असी सारे कट्ठे हाँ गमाते बराता ते रेंदे फुटपाथा ते जांदे नहीं जाता ते असी सारे कट्ठे हाँ गमाते बराता ते असी सारे कट्ठे हाँ गमाते गलती साढ़े को नहीं हुई है सानू इन्हें छोटे लोगों ने मुंह नहीं लगना चाहिए सी है गल हूं तुसी कह रहे हो मिसेज त्रिपाठी आपस च मन मुटा करन दा कोई फायदा है नहीं नवे नौकर लभदे किथे ने जे लभ भी जांदे है तनखाहां दुगनियां मंगदे ने छुट्टियां ते इन्नियां करदे ने पुलिस वाले भी तो कुछ नहीं करना चाहते मुफत च पंगा लै लिया ते फिर हुण तुसी सोचो की करना चाहिए मैनू लगदा सानू उन्हां नाल किसे तरह गल करनी चाहिए है किसी गार्ड या माली दे थ्रू फिर उन्होंने दिमाग होर आसमान ते चढ़ जाएगा मैं पता किता है सरला देवी भी चुप बैठन वाली नहीं है ओदा काम ही एहो है बस्ती विच भी राशन वंडिया गया मैनू तां बड़ी कमीनी लगती है मिसेस त्रिपाठी तुसी अपने जुबान ते कंट्रोल रखो एवें किसी नूं बुरा भला कहण नाल साडी प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हो जानी ना ऐ ठीक कह रही है थोड़ा ठंडे दिमाग नाल सोचना पेगा ठीक है असी इस बारे च फिर कदे गल करांगे बेबे ते हस्पताल लेके जाना पेगा तू फिकर ना कर मैं सब साम लांगी जा तारो ते संत नु साथ ले जल्दी देके तू तेरा ख्याल रखना हाँ 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 प्रार्थना कर पुत्र रब दा नाम लै सब ठीक हो जाऊगा चल अच्छा हाँ बोल हरिओम हरिओम छेती कर नहीं नहीं रोई धानी चल ली छेती कर और पानी ले चलो अंदर जाए पानी 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 ले जाओ जरा मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं कोई नहीं तुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा छेती आनी छेती आ छेती कर संतो छेती करो नहीं जल्दी चलो चलाओ अंदर चलो नी लक्ष्मी होई है बधाइयां हो मैं कहनी चंगा ही हो गया पहले मुंडा सी फिर कुड़ी रब दी जोड़ी मिला बिल्कुल अमला मल्ले से सबसे आई है भाई कंगू मुबारका होन भाई मुबारका क्या बधाइयां मैं बधाइयां कौन भी बधाइयां शादी भी बधाइयां पिंड दे पहले जवाक दी बधाइयां ओ मैं क्या पार्टी होनी चाहिए दिया बिल्कुल मौज मस्ती होनी चाहिए दिया मेरू दी चोली विच नवी नवी गुड़िया मेरू दी चोली विच नवी नवी गुड़िया दादी सुनावे लोरिया प्यो दे मोडे चढ़ चढ़ जावे प्यो दे मोड़े ते चढ़ चढ़ जावे दादी ता वंड दिए चूरिया दादी ते वंड दिए चूरिया दादी ते वंड दिए चूरिया देखना बिल्कुल मां ते गई है नहीं बेबे नहीं मैनू ते एदा बिल्कुल नहीं लगदी देखो ना आदियां अखां बिल्कुल अपने गंगू ते गई है ओ जी किसे ते भी जान पर सोनी बने हाँ। देखना रंग भी बहुत गोरा निशो निकलेगा हाँ। ते नए नकस भी बड़े तिखे ही बनेंगे नमस्ते माँ जी नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते सारे परिवार नु लाख लाख बधाई हाँ, होवे तेनु भी बहुत बहुत होवे गंगू पुत लिया मुंह मीठा कराया तेरे आगे नमस्ते सरला बहन जी हेलो मुंह मीठा करो बहुत बहुत बधाई होवे तन्नो भी और मेरू तू तो ठीक ठाक है ना जी दीदी तेरी कुड़ी बड़ी सोनी जापती है इनू खूब पढ़ाई एदा की ना रखेंगी
ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ। ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ, ਵਾਹ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ। ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਧੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੈਂਟੀ ਵਜਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਿਜਵਾਨ, ਮੇਰਾ ਬੇਲੀ, ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ। ਵੇਖ ਲੈ ਤੇ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ। ਆਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਤੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਲੱਕੀ ਤੇ ਪਿੰਕੀ। ਤੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਨ ਦੇ ਲੱਡੂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੁਰਤਾ ਭੇਜਿਆ ਚਾਚਾ ਜਾਨ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਜੱਚੇਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੇਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਕੀ ਤੇ ਪਿੰਕੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਤੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਤਾਂ ਜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਇਹ ਮਜ਼ੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਚੱਲ ਆ ਚੱਲੀਏ। ਰਿਜਵਾਨ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਾਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਰਲਾ ਦੀਦੀ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਅੱਜੇ ਚੱਲੀਏ? ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ? ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟਿਆ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਸਤ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਬਦਲ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਬਦਲਣਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਆਖਿਰ ਮਿਹਨਤ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਤੇ ਵਿਖਾਏਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਦੀ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਇਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਘਰੇ ਹੀ ਪਏ ਆ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦਿਨਾਂ। ਸੁਣੋ ਸੁਰਖੀ, ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਕਾ ਸ਼ਡਯੰਤਰ।
मजदूरों की बस्ती के सामने वाली कोठियों में मजदूरों की घरवाली और उनके बच्चे काम करने जाते थे। उनकी पढ़ाई पर रोक लगाने के लिए चोरी का इल्जाम लगाया और पुलिस से पकड़वाने की धमकी भी दी। ये एक ऐसी हरकत है जो बताती है कि पैसे वाले गरीब मजदूरों को कितना दबा के रखना चाहते हैं। सरकार एक तरफ तो हर शहर और हर गांव में मुफ्त प्राइमरी शिक्षा का प्रोग्राम बना रही है, जो नहीं पढ़ सके उनके लिए साक्षरता मुहिम चला रही है। श्रीमती त्रिपाठी के खिलाफ लिखी हुई FIR पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उन समय आ रहा है सानू अनपढ़ रखने विच एना लोका दा किन्ना मतलब है। आहो, सानू तो अपने बारे च कुछ पता ही नहीं सी। आजाद देश दे नागरिक होने दा फक्र कदी असी महसूस नहीं किता, और संते ए भी नहीं पता कि सानू संविधान च के हक मिले ने। उन्हां नू जानना ते दूर कदी ले आए नहीं। ए गल्लां कोई नहीं दसदा, हुण पढ़ लिख रहे हो ना तद पता लग रहा तुहानू। भाई गल ते है, असी बड़े मशहूर हो गए हां, साडी खबर अखबार च छप रही है। फिर ते मेरे घर वाले ते दियोर दी फोटोआं वी इच आ जाणियां है, उस बस्ती दे महा शराबी ने। क्या गल कही है भाई, जीता साडी होएगी अखबार ते आईओ कहंदा है। भाई साडा पक्ष सच्चाई दा है ते सच्चाई दी हमेशा जीती होंदी है। फिर ता ऐत की दिवाली बड़ी चंगी तरह मनावांगे। ए होई ना गल अम्मा। फिर ते खूब पटाके फोड़ांगे, नचना टपना भी होऊगा, ते कोठी वालियां अपने कन्ना च उंगलियां बांधेंगी। उन्हां दे कन्ना दे ना पड़दे ही पाड़। समझ नहीं आता, हजार बारी समझाया कि गुस्सा ना करया कर, ना उबलया कर, नहीं मेरी गल ते मननी नहीं ना है। हुण की इज्जत रह गई मेरे शहर दे विच? पर मैं ते एवं जा कुछ भी नहीं किता, ए सारी पॉलिटिक्स दी गेम हैगी है। ए अखबार वाले तुहाडे नाल बदला लै रहे ने जां फिर फायदा चुकन वास्ते उन अपनी गोटी बना रहे ने। बस बस चुप कर, मैं तेरी नस नस तो वाकिफ रखावां। ए जो कुछ भी होया ना एदी वजह सिर्फ तेरी गर्म मिजाजी है। ए जो तुहाडा किट्टी पार्टी दा कल्चर है ना, एने तुहाडी सारी जनानियां दे दिमाग नूं खराब करके रख दित्ता। तुसी लोग साडी पोस्ट ते पोजीशन दा मजाक खतम उठाना चाहते हो, साडे रोग ते रुतबे दा गलत इस्तेमाल करना चाहते हो। दिस इज नॉट फेयर। माइंड योर लैंग्वेज। ए तुसी की अनाप शनाप बोली जांदे हो? की जनानी है, पर इस केस दा कोई ना कोई ते हल करना ही पेगा, वरना इन्हां जनानियां ने सानू किसे पासे दा नहीं छड्डना। हायो रब्बा, इन्हां जनानियां नू अकल दे। ए मामला तो बहुत ही बद रहा है। ओ मालकन जी, जमाना बदल गया, इन्हां लोकां नू तो बदलना चाहिए। तू ठीक कहना वे, पर MLA साहब दा फोन आया सी। की हुकम है जी उन्हां दा? मामला ज्यादा वधिया तो सानू भी नुकसान पहुंच सकता है, ते ऑपोजिशन वालियां नू एक मुद्दा मिल जाएगा। यह तो तुसीं ठीक कहंदे हो जी। बस्ती वालियां नू भी नाराज नहीं करना ते कोठी वालियां दी भी इज्जत रखनी है। यह तो है जी। त्रिपाठी जी, तुसीं जिद्दां कहो, मैं तुहाडे सामने सारे ऑप्शन रख दित्ते ने। हाँ हाँ ठीक है, हरजाना चल जाएगा, पर राजीनामा भी जरूरी है जी। देखो जी, मैं जानना वा कि उन्हां दा कोई कसूर नहीं है, पर जेकर पुलचुक हो ही गई है तो मैटर नू तो सुलझाना ही पेगा ना जी। जी चंगा। तुसी केड़ा रस्ता कट रहे हो? मैं जिदा कहनी है तुसी उसे क्या नहीं कर दियो? वेख, मैं तुम बार बार समझाने की कोशिश कर रहा कि इस मामले तू अपना मुंह बंद रख। मैं अपने तरीके नाल केस नू सुलझाने की कोशिश कर रहा, पर तुसी प्लीज कीप क्वाइट, नो क्वेश्चंस, बार बार उबलना ठीक नहीं होता। हाय मेरे रब्बा। ओह, बड़ी टेढ़ी जनानी है। मेरी अज ही फोन ते इंस्पेक्टर नाल गल हुई है, वो कह रहा है कि IG साहब इस मामले नू खुद देख रहे ने। साक्षरता मुहिम दे जिहड़े चेयरमैन है वो मिस्टर बत्रा दे बहुत ही चंगे दोस्त है, ते सरला देवी भी कोई चुप नहीं बैठी हुई, ओदी लॉबिंग भी जारी है। इंस्पेक्टर कह रहा है जे तुहाडा मामला किसी तरह सैटल हो जांदा है ते चंगा ही है, ते मैं भी तुरंत कहा कि ठीक है
ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਲ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਰਾਜੀ ਹਾਂ। ਮੁਫਤ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਾ ਸਰਲਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਰੱਫੜ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਿਸਿਸ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਜੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੋਂ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝੋ। ਚੰਗਾ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਸੀਗੇ। ਆਦਮੀ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਨਾਨੀ ਵਕਤੇ ਪਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁਕਮ ਮਾਲਕਨ ਜੀ? ਤੂੰ ਸਰਲਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਕੋਠੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਜੀ। ਮਿਠਾਈ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੇਜੋ। ਹੁਣ ਆਓ, ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪੀਓ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ। ਹੈਲੋ ਬੇਬੇ, ਕਾਹ ਜਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗਾ। ਸਹੀ ਜਰਾ ਇਹ ਦੋ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਇਹ
ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ हेलो इंस्पेक्टर साहब मिसेस बत्रा बोल रही हैं ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਮਿਠਾਈ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਠਾਈ ਭੇਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੁਲਝਾ ਲਓਗੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਪਰੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਅੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਖਤਮ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਾਦੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਓਕੇ ਬਾਏ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਰਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਲੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਰਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੀ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲੀ ਗੱਲ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਖਿੱਚਣਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਝਗੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਠੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅੜਚਣ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਚੰਗਾ हेलो इंस्पेक्टर साहब नमस्ते मैं सरला बोल रही हूँ जी बोल रहे हैं मैडम मैं समस्या का हल कर लिया मजदूरों की बस्ती विच जंगल पानी जाने लिए उन्होंने बड़ी मुश्किल होंगे ने अगर उन्होंने सुलभ शौचालय का निर्माण हो जाए तो नहीं मैं समझ गया सी तुसी ये काम होया समझो उन लोगों को की फर्क पैंदा है 10-15 हज़ार इधर ते उधर की बल्कि गरीबों की बस्ती विच साफ सफाई भी हो जाएगी थैंक यू वेरी मच थैंक यू जी अच्छा जी नमस्ते हुण बनी ना गल इहनू कहिंदे ने पॉजिटिव पॉलिटिक्स हुण बस्ती वाले बड़े खुश होणगे मैं भी अज बहुत खुश हाँ अज तुसी वेख्या कि कोठी वालियां दी मीटिंग होई ते मिसिस त्रिपाठी नू नीवा वेखना पिया सरला दीदी ने बस्ती विच राशन भी वंडवा दिता है यह सुन के उन्हां दा मनोबल गिरिया उधर मेहरू ने एक कुड़ी नू जन्म दिता सारी बस्ती विच जिवें खुशी दी लहर दौड़ गई कोई कहिंदा सी कुड़ी माँ ते कोई कहिंदा सी प्यो ते जद सरला दीदी ने कुड़ी दा नां शिक्षा सुझाया तां सारे बहुत खुश होए छोटू दे बुलावे ते रिजवान शहर आ जांदा है अपने नाल छोटू लई अब्बा दा बनाया कुर्ता पजामा ते उहदी माँ दे बनाए बेसन दे लड्डू वी लिआंदा है रिजवान शहर आ के हैरान भी है ते खुश भी है मालती ते प्रीतम उसनू इस तरह मिलदे ने जिस तरह उसनू पहलों तो ही जानदे होण साक्षरता मुहिम दी टीम विचार करके कुछ दिन होर इस बस्ती विच रहण दा फैसला करदी है प्रीतम बस्ती वालियां नू अखबार तो वह खबर सुनांदा है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਵਾਲੀ ਮਿਸਿਸ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਧਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕੋਠੀ ਵਾਲੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ
मिस्टर त्रिपाठी ने अपनी घरवाली नूं चुप रहने की सलाह दित्ती ते इस समस्या दे हल दे लई काफी लोगों नूं संपर्क भी किया। उधर बस्ती विच दिवाली की धूमधाम विच जदों कोठी वालियां कोलों मिठाई आती है तो उधर वापस जाती है तो जिवें शिकवे शिकायत खत्म होने की शुरुआत हो जाती है, वो जाके खत्म होती है बस्ती विच सुलभ शौचालय के निर्माण के फैसले ते। अगे की होंदा है बस्ती विच सुलभ शौचालय बनता है ज नहीं, ये असी वेखांगे अगली कड़ी विच। अज असी मिलते हैं बिहार के जब्बार सिद्दीकी नूं। मैं 1979 में दिल्ली आए थे, घर भी कुछ मैं उर्दू पढ़ा लिखा था, हिंदी हमने पढ़े लिखे नहीं थे। तब यहाँ 2 साल पहले यहाँ प्रकाश वीर से मैंने 2 साल पहले पढ़ाई किए 3 किताबें, तो उससे मेरे को जो भी स्पोर्ट में मैं माल फिनिशिंग करता हूँ या माल बनाता हूँ या उस पर लेवल लगाता हूँ मैं सब पढ़ लेता हूँ। मालक मुझे बता के जाता है जितना माल इस जगह भेजना है, इतना माल इस काउंटिंग करना है, मैं सारा काउंटिंग अपना कर लेता हूँ। जन करने की मंत्र ने बोले आ खजाना